Good morning, class 12. Today I am going to start a new chapter, and the chapter name is semiconductor. Now, what is semiconductor? हम solid substance की अगर बात करें तो it is classified into three types: conductor, insulator, and in between the conductor and insulator there is a semiconductor. Now, on the basis of electrical conductivity and resistivity, at this room temperature, the conductor has high conductivity and low resistivity, whereas insulator has high resistivity and low conductivity. And the semiconductor is a substance whose electrical resistivity is more than the conductor but less than the insulator, whereas electrical conductivity is what? Electrical conductivity is less than the conductor but more than the insulator. Now, फीचर्स ऑफ सेमी कंडक्टर स्टडी करते हैं. नाउ इन द सेमी कंडक्टर दिस अ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड व्हाई इट इज कोवलेंट बॉन्डिंग. यस, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन. नाउ इसको क्लियरली समझने के लिए हम अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो जैसा अगर पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उसमें आप राइट साइड में अगर देखें तो राइट साइड में आपके नॉन मैटलिक करेक्टर यानी इंसुलेटर बिहेवियर ज़्यादा मिलेगा, वेरस अगर आप लेफ्ट साइड में देखें देन वहाँ पर ग्रुप वन और टू की बात करें जहां पे वैलेंस सेल में वन और टू इलेक्ट्रॉन है दैट एलिमेंट शोज द मेटलिक करेक्टर. ठीक है, मींस आपको क्लियर है कि व्हाट इज मेटलिक करेक्टर एंड व्हाट इज नॉन मेटलिक करेक्टर. नाउ जो आपके एलिमेंट है जिनके ऑटोमस सेल में 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट आर द पार्ट ऑफ सेमी कंडक्टर यानी दैट एलिमेंट आर कंसिडर्ड एज अ सेमी कंडक्टर. ओके, नाउ मीन्स यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल दें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सेरेनियम, ये क्या है? यस, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सेरेनियम, यस अगर आप देखें ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और जिनके ऑटोमस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स. बट इन में से जो कार्बन है दैट इज नॉट सेमी कंडक्टर. सिलिकॉन जर्मेनियम आर द मेन एलिमेंट सेमी कंडक्टर, मीन्स उनको हम एलिमेंटल सेमी कंडक्टर कहते हैं. ना वाई कार्बन, कार्बन इज नॉट सेमी कंडक्टर, तो आपको पता है कि जो कार्बन है वो उसका जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस के क्लोजर होते हैं आपके वैलेंसल इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स वहां पे हाई एनर्जी से बाउंड है और इस वजह से स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम की वजह से वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. बट अगर आप कार्बन पर नीचे सिलिकॉन में जाए तो एक न्यूक्लियस से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज हो जाती है. नाउ उस बेसिस पे अगर रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की बात करें या कंडक्टिविटी की बात करें वो उस रेंज में आ जाती है जो कि सेमीकंडक्टर के लिए होनी चाहिए. तो मीन्स सिलिकॉन जर्मेनियम सेरेनियम, मेनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आप स्टडी करेंगे यहाँ पर जो कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है. नाउ जो आपके सेमीकंडक्टर हैं एलिमेंटल तो है ही सिलिकॉन जर्मेनियम आर एग्जांपल, बट कंपाउंड फॉर्म में भी सेमीकंडक्टर होते हैं. एंड व्हाट इज कंपाउंड फॉर्म में सेमीकंडक्टर? तो केमिस्ट्री में ही आप स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? यस, आप सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है. यस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब में एलिमेंट्स हैं. तो मीन्स वहाँ पर आपके कार्बन हाइड्रोजन आप देख सकते हो पॉलीमर्स, एग्जाम्पल के लिए पॉलीमर्स, थायोफिन, ये सब जो पॉलीमर्स है पॉलीपायरोल, ये सब ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है. एंड बात करते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर की. इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जो कि आजकल एलईडी वगैरह यूज लाइट बनाने में की जाती है. डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट एनर्जी गैप पर डिपेंड करती है. एंड जैसे लाइक गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम जी ए एन ए एस, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर. तो ना आपको क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर में जो हम स्टडी करें यहाँ पर एलिमेंटल सेमी कंडक्टर होता है, कंपाउंड फॉर्म में स्टडी करें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर होता है. नाउ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है सेमी कंडक्टर पर? वट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सेमी कंडक्टर? यस, आपने चैप्टर 3rd ऑफ क्लास 12th में ऑलरेडी स्टडी किया है जो टेम्परेचर कोफिशियंट यानी अल्फा है फॉर द सेमीकंडक्टर इज
negative and high. That means if we increase the temperature of semiconductor like silicon and germanium, then what happens? Its resistivity will decreases. Okay, its resistivity decreases. Clear? Now, next one. What is the next topic? Yes. यहाँ पर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द डिफरेंट लेवल, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. व्हाट इज इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आर प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर का मतलब समझते हैं, इसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो. मीन्स जो आपका पूरा 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 क्रिस्टल है उसमें सिलिकॉन के ही एटम्स हों, उसमें और कोई इम्प्योरिटी ना हो. ओके, देन इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? यस, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दो सेमीकंडक्टर व्हिच इज ऑब्टेन आफ्टर डोपिंग, डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. लाइक सिलिकॉन का एक पूरा एटम क्रिस्टल है पूरा, बट उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने डोपिंग की. डोपिंग वर्ड यहाँ पे मतलब है कि एडिशन ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटी. ध्यान रखना, सूटेबल इम्प्योरिटी की बात करें कि अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो पता ना चले कि आप चीज़ वो ऐड कर रहे हो. मीन्स अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के आसपास के साइज के एटम को उसमें ड्रॉप करें. लाइक सिलिकॉन के आसपास क्या है? अल्यूमिनियम, इसकी वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, और फॉस्फोरस, इसकी वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, जो सिलिकॉन का खुद का क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मीन्स टेट्रावेलेंट है खुद सिलिकॉन, एंड इट कैन बी डोप विद ट्राइवेलेंट अल्यूमिनियम और इट कैन बी डोप विद पेंटावेलेंट फॉस्फोरस. देन वी ऑब्टेन द सेमीकंडक्टर एंड दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्लियर एवरीवन? नाउ जरूरत क्या पड़ी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? और मेनली यहां पर हमारे लिए जो बेस्ट है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है. तो डोपिंग क्यों करना पड़ा? प्योर सेमीकंडक्टर क्यों नहीं यूज किया हम लोगों ने? बिकॉज द प्योर सेमीकंडक्टर हैज अ लो कंडक्टिविटी, एंड वो जिस पर्पज के लिए हमें यूज करना था वो पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा था.